जय श्री राम दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे केतकी के पुष्प की। एक बार ब्रह्मा जी व विष्णु जी में विवाद छिड़ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे और भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में स्वयं को श्रेष्ठ कह रहे थे। तभी वहाँ एक विराट ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने सर्वानुमति से यह निश्चय किया कि जो इस लिंग के छोर का पहले पता लगाएगा उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। अतः दोनों विपरीत दिशा में शिवलिंग का छोर ढूंढने निकले। छोर न मिलने के कारण विष्णु जी लौट आए। ब्रह्मा जी भी सफल नहीं हुए, परंतु उन्होंने आकर विष्णु जी से कहा कि वे छोर तक पहुँच गए थे। उन्होंने केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बताया। केतकी के पुष्प ने भी ब्रह्मा जी के इस झूठ में उनका साथ दिया। ब्रह्मा जी के असत्य कहने पर स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी की आलोचना की। दोनों देवताओं ने महादेव की स्तुति की। तब शिव जी बोले कि मैं ही सृष्टि का कारण उत्पत्तिकर्ता और स्वामी हूँ, मैंने ही तुम दोनों को उत्पन्न किया है। शिव ने केतकी पुष्प को झूठा साक्ष्य देने के लिए दंडित करते हुए कहा कि यह फूल मेरी पूजा में उपयोग नहीं किया जा सकेगा, इसलिए शिव के पूजन में कभी केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। दोस्तों सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और भी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। जय श्री राम।